राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सभी पब्लिक के राधे राधे। महिला और पुरुष सबको ना? सबके राधे राधे। क्या बात है। नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता। मैं शांतवना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। सबसे पहले कल से छठ का व्रत शुरू हो रहा है, तो मैं मम्मी को लेकर जा रही हूँ पार्लर और आपको दिखाऊंगी अपने दिन की पूरी एक्टिविटी। प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा। आई एम इन शिल्पाज पार्लर और ये बुढ़ार में ही है। बहुत अच्छा पार्लर है, आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको इसका ओवरव्यू करा देती हूँ। एंड शी इज़ माई मम। तो छठ पूजा है और मम्मी छठ पूजा की तैयारी में शुरू हो चुकी है। आज मम्मी को फुल पैम्पर किया जाएगा और कल से मम्मी का व्रत शुरू होगा। हैप्पी छठ पूजा एवरीवन। बोलिए मम्मी, हैप्पी छठ पूजा बोलिए। हैप्पी छठ पूजा सभी बिहारियों को। क्यों, पूरे देश को बोलेगी ना? पूरे देश, पूरे बिहारी, झारखंड, यूपी, एमपी, सभी को, सारे राज्यों को, 28 राज्य से 28 राज्य को, पूरे विश्व को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कराएंगे क्लीन अप, फिर कराएंगे मैनिक्योर, पेडिक्योर और उसके बाद आईब्रो, अपर लिप्स एंड वैक्सिंग। सो देखते हैं मम्मी का लुक कैसा आता है। तो गाइज यहाँ से मैंने अपना डे एंड कर दिया क्योंकि कुछ मुझे ऑफिशियल काम आ गया था, तो मुझे वो काम करना था। नेक्स्ट डे से मैंने वापस से फिर से कंटिन्यू किया है, तो प्लीज़ व्लॉग में ही रहिएगा, स्टे ट्यून। मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता। मैं शांतवना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज बड़ा तड़कता भड़कता दिन है क्योंकि आज से छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सारे भारतवासियों को, पूरे वर्ल्ड को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं जो छठ को सेलिब्रेट करते हैं। ओ माय गॉड, मेरी बहन आ गई है। देखिए छठ का काम शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आ गई है दौरा लेके। हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा सबको। चलिए छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं आपको शेयर करूंगी कि करके कि क्या क्या चीजें हम लाना शुरू कर चुके हैं। और ये मेरी दादी आपको देख रही है। तो मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए और मैंने वोट दे दिया है। हाँ, मेरी छोटी बहन ने वोट दे दिया, मैं जा रही हूँ। घर पे वैसे सबने दे दिया, मैं और मेरी एक और छोटी बहन जो है वो बचे हैं। तो हम वोट दे के आते हैं, आपको बताते हैं हमने वोट किसको दिया है। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि हमने वोट किसको दिया है। लेट्स सी। लेकिन जो जीतेगा हम उसी को वोट दिए, समझ जाना गाइस। यस, ये एक सिग्नल है। आ गई हूँ वोट देके और मेरा वोट किसको है ये तो मैं आपको रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर करूंगी। और मम्मी का आज
फर्स्ट डे है, छठ पूजा शुरू हो चुकी है आज से। तो मम्मी ने बनाया है लौकी की सब्जी, जो आज के दिन बनती है, और वो दाल मिक्स करके बनाया है, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बना है खाने को। लौकी की सब्जी के साथ चावल ले सकते हैं, रोटी, जो भी आपको खाना है। तो दिस इज़ द डे फर्स्ट, आई एम सो मच हैप्पी कि आज छठ पूजा है। छठ पूजा क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ, कुछ घर के काम है जो कि आज करना है, तो मैं वो काम करती हूँ। मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, जरूर 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 बताऊंगी कि क्यों हम छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। बोलिए, दिवाली नहीं, छठ पूजा। इस आज है छठ का पहला दिन, मतलब छठ पर्व आज से शुरू हो चुका है। तो खाने में बना है घी, लौकी दाल और चावल। मम्मी अभी इसे ग्रहण करेंगी और मम्मी बैठ चुकी हैं अपने स्थान में। सो सबको बोलिए मम्मी हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा सभी भारतवासियों को। ठीक है, जो भारत के बाहर है उनको नहीं, पूरे विश्व को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नहाए खाए। नहाए खाए का मतलब ये होता है कि आज के दिन जो है वो लौकी और चावल बनता है, जो बन गया है। मैंने आपको दिखा दिया कि मम्मी ने कहा भोजन ग्रहण कर लिया है। तो छठ पूजा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कहानियां तो बहुत है, पर एक कहानी जो मुझे पता है और जो हमको बताया गया है हमेशा से, कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए ये पांच, मतलब एक बहुत ही कठिन व्रत रखा था, वो है छठ पूजा। इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और साथ में छठी मैया की पूजा की जाती है। तो ये पूरा 3 दिन का व्रत होता है। आज नहाए खाए है। नहाए खाए में क्या होता है कि आपको लौकी और चावल खाना होता है। नेक्स्ट डे कल आप खाएंगे खीर और रोटी बनती है, और उसके नेक्स्ट दिन आपको जो है शाम कर्क होता है, और उसके बाद होता है सुबह कर्क। तो एक दिन पूरा आपका कंप्लीट जो रहता है वो आपका पूरा निर्जला होता है, इसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। मतलब आप पूरे 24 घंटे नहीं, पूरे 32 आवर्स का व्रत रखते हैं, और व्रत के बाद जब सुबह का अर्घ दे लोगे उसके बाद आप पानी पी सकते हो और कुछ खा सकते हो। तो बहुत ही कठिन व्रत है, और बेसिकली ये माँ अपने बच्चों के लिए, या फिर जिनका जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो अपने औलाद के लिए, संतान के लिए व्रत रखते हैं। तो ये बहुत ही पावन व्रत है और बहुत ही कठिन व्रत है। तो हैट्स ऑफ टू माय मम जो पिछले 15 सालों से ये व्रत रख रही हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ हर, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी छठ पूजा करूँ। छठ पूजा शादी के बाद कर सकते हैं, वैसे शादी के पहले भी लोग करते हैं, बट बेसिकली बोलते हैं कि माँ अपनी बेटी को छठ देती है। तो मेरी शादी के बाद मम्मी मुझे अपना छठ देंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सोचती हूँ कि कब ये मौका मिले और कब मैं भी छठ व्रत रखूँ। तो यही है छठ की कहानी। और कल जो है, अच्छा हाँ, इन 3 दिनों के व्रत में आप कोई भी बाहर से लहसुन प्याज या घर में लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। इसका सेवन, वैसे तो बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं, बनता है पर कभी कभी बनता है, और इसमें 3 दिन तो बनेगा ही नहीं। और उसके अलावा इसमें ये भी है कि आपको जो फल चढ़ता है छठ पूजा में वो फल हम सेवन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग चाय पीते हैं तो चाय में हम अदरक नहीं डाल सकते, क्योंकि अदरक जो है प्रसाद में चढ़ता है, फलों में चढ़ता है। तो ये है, और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें वन बाय वन बताती जाऊंगी। होप आपको ये समझ आया हो कि छठ क्या है और छठ क्यों रखते हैं और छठ की पूजा कैसे होती है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पूरे विश्व को। मैंने देखा कि लोग फॉरेन में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत से देशों में छठ किया जाता है। छठ को हिंदू मुस्लिम सारे सारे जो जो छठ को विश्वास करते, छठी मैया पे विश्वास करते, सूर्य भगवान पे, वो सभी ये व्रत रखते हैं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, और भारत इतना खूबसूरत देश है कि इसमें हर एक धर्म को बराबर मान्यता दी जाती है, सबसे बेस्ट बात है। सो हैप्पी छठ पूजा अगेन। गाइस, मैंने दादी से कहा है कि मैं भी आज खैनी खाऊंगी, देखिए खा रही हैं, तो माँ प्लीज मुझे खैनी खिला दीजिए। अच्छा खा, लाई लाई उल्टे करेगी, चक्कर मारेगा, जानेगा। तो ये है खैनी, और मैं खाने जा रही हूँ खैनी। मैं आपको खा के बताती हूँ खैनी कैसी लगती है। खा लू, खा लू, खा लू,
अरे कुछ तो बोलिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बताइए। नहीं खाना चाहिए। क्यों? अच्छा लीजिए वापस लीजिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों खाना चाहिए? आप भी तो खाती हैं। तो दादी की आवाज बैठ गई है, इसे दादी बोल नहीं पा रही है। हाँ तो गाइस दादी आपको राधे राधे बोलने के लिए बोली हैं, बोल दीजिए माँ। राधे राधे। राधे राधे। तमाम भारत की जनता, जगत की जनता, राधे राधे। हाँ तो गाइस दादी को मैं बोली दादी मेरी इतनी सुंदर है, आप लोग सब बताइए कमेंट करके मेरी दादी कैसी दिखती हैं, है ना माँ? इसको पहचानते हैं? घोड़े की नाल निकाल रहा है, घोड़े की नाल। ये देखिए इसके मुंह देखिए। गाइस मम्मी को लग रही है मेहंदी क्योंकि छठ पूजा शुरू हो चुकी है। अभी आपको हम दिखाते हैं द ग्रेट प्रिया। प्रिया लगा रही है मेहंदी मम्मी को, तो मेहंदी कैसी लग रही है आपको दिखाते हैं प्रोसेस। प्रिया लगा रही है मम्मी को मेहंदी, और देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है प्रिया ने। दिखाइए मम्मी, दिखाइए अच्छे से। अच्छा घर वर मिले प्रिया को जल्दी जल्दी, है ना? चाय मैडम चाय। और प्रिया कह रही है मेरा हर कोई व्लॉग देखे, तो जनता प्लीज इस बात पे गौर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट बना रहे। बिल्कुल मेरा सपोर्ट बना रहे और मम्मी की ये छठ पूजा बहुत अच्छे से हो जाए। मम्मी तो एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड रहती हैं छठ पूजा के लिए। देखिए चेहरे की खुशी, एकदम छठ पूजा आने वाला है। तो मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी कैसी लग रही है। वैसे तो इस हाथ में लग चुकी है बहुत सुंदर, इस हाथ में प्रिया भी लगा रही है। लेट्स सी। क्या बोली? क्या गंदी बात है, क्यों किसी के फोटो देखा हो? क्यों मेरे फोटो खींचे है? फोटो नहीं खींचे, खींचे फोटो नहीं, वीडियो बना रही हूँ माँ। बनाओ वीडियो जिसका बनाना हो, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा और कोई संबंध नहीं है? नहीं कोई संबंध नहीं है माँ। आपको पता लोग बहुत प्यार करते हैं। नहीं चाहे कुछ भी करो, मेरा कोई संबंध नहीं। माँ आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। लोग प्यार करते हैं तो लोग के मैं भी प्यार करते हैं। कौन है वो लोग? भगवान के घर में है। अच्छा मतलब धरती में नहीं है माँ? माँ माँ बिना माने मतलब के माँ मैं क्यों कर रही है? दही के मुँह से क्यों बनी है? क्या क्या दही का मुँह से हर जाए? दूसरी बात चल रही है। अच्छा किससे बात चल रही है ये तो बता दीजिए। सब भगवान से। अच्छा ठीक 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 करिए ठीक है माँ, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुड नाइट बोल दीजिए सबको। गुड नाइट। देख के बोलिए, इधर देख के। गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे बोली, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे कितने बजे? अब हम टाइम तक नहीं जाएंगे। के साथ करती हूँ अपना डे एंड, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मम्मी का व्रत अच्छे से शुरू हो चुका है छठ का, तो कल फिर मुलाकात होगी अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे भारत की जनता। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।